उधर यूपी के अमरोहा में आज होने वाली है आरएलडी की महापंचायत। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी महापंचायत को संबोधित करेंगे। किसान संगठनों के साथ कई दलों के नेता महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत की सफलता के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत को झोंक दिया है, तो अब यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं रहा, कह सकते हैं आप, जिसमें सियासी संगठन जो है वो भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के काफी करीबी हैं, एक बार वहां चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जयंत चौधरी लगातार सक्रिय हैं। महापंचायत जो है आज होने वाली है और इस महापंचायत को लेकर आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दिया है। पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महापंचायत के रास्ते से वो लाइव है। पुनीत, ये बताया जा रहा है कि महापंचायत को लेकर आरएलडी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जयंत चौधरी 26 जनवरी के बाद से खुद बहुत एक्टिव हो गए, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या ये महापंचायत में सियासी एंगल भी अब आ गया है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो 26 तारीख को हुआ उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन बिखर गया, लेकिन 28 तारीख को राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर इस आंदोलन को मजबूत किया। पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई और जो जयंत चौधरी थे वो गाजीपुर पहुंचे और उसके बाद मुजफ्फरनगर की महापंचायत में पहुंचे और अब इसके बाद अमरोहा में एक महापंचायत आज 12 बजे होने जा रही है। जो राष्ट्रीय लोकदल है वो आसपास के तमाम इलाकों, गाँव और जिलों में उसने दौरा किया और सभी लोगों से आह्वान किया कि इस महापंचायत में पहुंचे और इस किसान आंदोलन में आगे की क्या रणनीति होगी इस पर पूरा विचार किया जाएगा, इसको तय किया जाएगा और जो संख्या जुटने वाली है ये काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है। हालांकि आरएलडी इस बात का दावा कर रही है कि हजारों में ये संख्या होगी और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को भी पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। अमरोहा से राकेश टिकैत एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि हार चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह साबित होने जा रही है इस आंदोलन के लिए। और आज की जो महापंचायत है इसमें भी ये दिखाई देगा कि पहले कुछ लोगों ने जो इलेक्शन हरा दिया था राकेश टिकैत को, क्या अब उनके समर्थन में वापस उस मैदान में इकट्ठे होते हैं और आगे की जो किसान आंदोलन की रणनीति है उसमें भागीदारी करते हैं कि नहीं। तो ये जो आज महापंचायत है काफी ज्यादा अहम और इसको लेकर के राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत ही ज्यादा तैयारी की है। तमाम लोग आज यहां पर गांव की तरफ से उस मैदान में, उस इलाके में जुटने जा रहे हैं। शुभंकर, बिल्कुल बिल्कुल, यही वो जगह है जहां पर जमानत जब्त हुई थी और अब यहीं पर सियासी जमीन की तलाश की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि किसानों ने अपनी रणनीति में कैसे बदलाव लाया है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ग्राफिक जरिए समझते हैं कि किसानों का अक्टूबर प्लान जो है वो दरअसल है क्या। तो देखिए यहां पर ग्राफिक्स आपके सामने आ चुका है। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों ने रणनीति बदल दी, यानी 26 जनवरी के बाद रणनीति बदली गई है। आंदोलन को लंबा खींचने की कोशिश में फिलहाल किसान हैं, ये दूसरी बड़ी बात है। सरकार को यहां पर 2 अक्टूबर तक का वक्त मुकर्रर किया है कि यहां तक आप इसका समाधान कर दें, और उसके अलावा महापंचायत के जरिए किसानों से समर्थन लेने की रणनीति जो है वो भी यहां पर बना ली गई है। जगह जगह पर किसान महापंचायत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये महापंचायत देखने को मिल रही है और महापंचायतों के जरिए समर्थन पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा छठी बड़ी बात क्या है वो आपको बताते हैं। खाप पंचायत के समर्थन में वहां पर समर्थन लेने के लिए किसान जुटे हैं, यानी खाप पंचायतों से भी किसान चाहते हैं कि उनके आंदोलन को बड़ा समर्थन दिया जाए। आंदोलन के मंच पर जो पहले राजनीतिक दलों से गुरेज किया जा रहा था वो अब नहीं है और ये सक्रियता हमें देखने को मिल भी रही है। इसके अलावा दिल्ली हिंसा के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन की राह पर भी वो जा चुके हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ उससे काफी सवाल जवाब हुए। चक्का जाम में नहीं हुई किसी तरह की हिंसा, ये नई रणनीति की वजह से आया और विवादित लोगों से फिलहाल किसान संगठनों ने किनारा कर लिया है। विवादित नारे लगाने वालों से लेकर विवादित लोगों से सभी से फिलहाल दूरी कर ली गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।